हेलो जी, क्या हालचाल है सबका। देखिए, इस टाइम पर सभी बच्चों के दिमाग में जो सबसे बड़ा एक सवाल चल रहा है कि जो हमारे मई 2019 के एग्जाम्स आ रहे हैं सीए के, क्या वो इलेक्शंस की वजह से पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे। काफी बच्चों को तो ये लग रहा है कि अगर होंगे तो कितने होंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईसीए की तरफ से ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक तो नहीं अवेलेबल है कि एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं और वो कब तक होंगे या नहीं होंगे। लेकिन मैं आज आपको पास्ट डाटा के बेसिस पर, क्योंकि जब मई 2014 में जो हमारे कह लो कि इलेक्शंस हुए थे, उन इलेक्शंस की वजह से एग्जाम पोस्टपोन हुए थे, और अगर उससे पिछले इलेक्शंस में जाएं, मई 2000 जो हमारे 9 के एग्जाम्स थे वहां पर भी पोस्टपोन हुए थे, तो आज मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा कि हमारे जो एग्जाम्स है कितने पोस्टपोन हुए थे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप कोई भी बच्चा इस पास्ट बेस के ऊपर ये ना श्योरिटी मान के चले कि पक्का इस बार पोस्टपोन होंगे, क्योंकि देखिए, जहां अगर हम पोस्टपोन की बात करते हैं तो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम कहां पर आती है, आप सभी को पता होगा कि जो बच्चे आर्टिकलशिप कर रहे हैं, जो बच्चों की आर्टिकलशिप में उनको कह लो लीव अलाउड होती है, अगर आपके एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए तो देखिए आपको जो लीव है वो एक्सटेंड करानी पड़ेगी, तो उस वजह में देखिए कितना बड़ा एक प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरी बात यह है कि एग्जाम्स अगर पोस्टपोन होते हैं तो बाकी के कोर्सेज के, मान लीजिए सीएस के हैं या फिर कह लो किसी बच्चे के बीकॉम के ग्रेजुएशन के एग्जाम्स आ जाते हैं, वो आपस में डेट से उनकी क्लैश होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए मतलब ये एक बहुत बड़ा कह लो कि एक काम होता है कि अगर हमारे एग्जाम्स पोस्टपोन हुए तो कहां कहां इस चीज का इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन चलिए मैं फटाफट आपको दिखाता हूं पास्ट डाटा के बेस पर कि अगर आपके पास्ट टाइम में जो एग्जाम्स पोस्टपोन हुए थे वो कब तक गए थे। तो चलिए आप देखिए कि मैंने ये कह लो कि पुरानी नोटिफिकेशन वेबसाइट पर सर्च कर रहा था मैं, मुझे मिल गई है एक, आप देख सकते हो कि 15 जनवरी 2014 की ये कह लो कि अनाउंसमेंट है, और इस अनाउंसमेंट में आप देख सकते हो कि जो हमारे आईपीसीसी के एग्जाम्स की डेट जैसे आपको नजर आ रही होगी कि ग्रुप वन के एग्जाम्स 27 मई से स्टार्ट हुए थे और जो हमारे इंटरमीडिएट के थे, और फाइनल के एग्जाम्स 26 थे। इसका मतलब कि जो नॉर्मली हमें पता होता है कि जो हमारे एग्जाम्स मई के स्टार्टिंग में 2 या 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप यहां पर देख सकते हो कि 26 मई से जाकर फाइनल के जो एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट हुए थे और वो जून तक चले थे। ये देखिए, जैसे आईपीसीसी ग्रुप टू के जो एग्जाम है वो 8 जून तक चले थे, तो फाइनल के जो ग्रुप टू के एग्जाम्स है वो 9 जून तक चले थे। तो यहां से हमें ये आइडिया लग जाता है कि जो एग्जाम्स हैं 2-3 मई की जगह पर 27 मई को जाकर स्टार्ट हुए थे या 26 को स्टार्ट हुए थे। तो ये तो था कि मई 2014 के जो एग्जाम्स है कितना पोस्टपोन हुए थे। अभी मैं आपको देखिए, ये तो मुझे नोटिफिकेशन मैंने सर्च किया मुझे मिल गई थी, लेकिन मुझे जो 2009 के एग्जाम्स थे उसकी डायरेक्टली तो कोई साइट पर कह लो कि क्योंकि पुराना काफी टाइम हो गया, नोटिफिकेशन नहीं सर्च में आई इधर उधर कहीं भी, ये भी मुझे कहीं और वेबसाइट्स पर मिली है क्योंकि आईसीए की वेबसाइट पर इतना पुराना डाटा अवेलेबल नहीं था। तो मैंने जो बाकी कहीं से सर्च किया तो मुझे ये मिल गई है, लेकिन मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं मुझे प्रॉपरली एक नोटिफिकेशन की फॉर्म में ये नहीं मिली, लेकिन मुझे किसी ने डाला हुआ था कि एग्जाम्स इस डेट को थे, उस बेस के ऊपर मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूं कि जो जून 2019 के एग्जाम्स थे आप देख सकते हो कि 2 जून को जाकर स्टार्ट हुए थे, तब हमारा जो कोर्स था वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स होता था नाम इसका, तो फाइनल के 1 जून। इसका मतलब कि अगर हम मई 2014 की बात करें तो हमारे एग्जाम्स जाकर पोस्टपोन होकर स्टार्ट हुए थे फाइनल के, अगर हम देख लें 26 मई से, और इधर अगर 2009 की बात करें तो हमारे 1 जून को जाकर एग्जाम स्टार्ट हुए थे। तो देखिए ग्रुप टू के एग्जाम 15 जून तक चले थे, तो यहां से अगर हम इस चीज को ध्यान में रखकर चलें तो देखिए इसका मतलब यह है कि इस बार भी मीन्स हमारे जो 2019 के एग्जाम्स आ रहे हैं उनके पोस्टपोन होने के चांसेस हो सकते हैं। अब ये कब तक हमें आइडिया लगेगा, अगर तो अगर हम ये नोटिफिकेशन की डेट देखें कि 15 जनवरी को 2014 के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन जो मुझे मिली है वेबसाइट पर, कहीं पर आईसीए की वेबसाइट पर, मैं आपको बोल रहा हूं कि वहां से मैंने डाउनलोड नहीं किया, मुझे कहीं और से मिली है ये, उसके हिसाब से तो 15 जनवरी तक ये चीज पता चल गई थी कि हमारे एग्जाम्स कब हो रहे हैं। तो इस बार अगर मैं आपसे अब कह लो कि क्लियरली बात करूं कि इस बार का क्या सीन होने वाला है, अब ये देखिए, ये तो कह लो कि जब तक आईसीए की तरफ से कोई चीज नोटिफाई की जाएगी तभी पता चलेगा, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया है कि इशू क्या क्या होते हैं। नॉर्मली एग्जाम्स पोस्टपोन करना कोई इजी बात नहीं है कि फटाफट चलो इसकी डेट जाके आगे शिफ्ट कर दें,
तो मेरे ख्याल से अब आज काफी बच्चों को ये चीज माइंड में से कह लो कि जो फंसी हुई थी कि होंगे या नहीं होंगे, कब तक हो जाएंगे, अब आपको पता चल गया कि नॉर्मली कितना पोस्टपोन होते हैं या फिर चांसेस कितने पोस्टपोन होने के। मैंने जो, क्योंकि जो पिछला दो बारी का डाटा आपको दिखाया, दोनों बार पोस्टपोन हुए हैं, अब इस बार का ये तो कह लो कि आईसीआई के हाथ में। तो चलिए, मेरे ख्याल से अगर यहां पर किसी बच्चे को इस रिगार्डिंग या कोई भी और चीज के रिगार्डिंग, मैं नॉर्मली हर वीडियो में अपना जो हेल्पलाइन नंबर है वो दिखाता हूं बच्चों को, और कई बार ऐसे होता है कि रिप्लाई करने में थोड़ी डिले हो भी जाती है, क्योंकि कई बार होता है कि बहुत सारे बच्चों के पुराने मैसेज भी पहुंचे होते हैं, हमें पहले उनकी रिप्लाई करते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी कोई क्वेरी है छोड़ सकते, हो सकता है इमीडिएटली भी रिप्लाई आ जाए या एक दो दिन की डिले भी हो सकती है। और हाँ, जाते जाते आपको यह भी बोल देता हूं कि हमारा जो राइव क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है वो बच्चे जरूर ज्वाइन करें, कि वहां पर मैं मई 2019 के एग्जाम्स के रिगार्डिंग बहुत सारी फाइल्स कह लो कि शेयर करने वाला हूं हमारे अगले आने वाले टाइम में भी। तो उसको भी आप कह लो कि सर्च में जाकर ये राइव क्लासेस के नाम से हमारा जो चैनल है वो सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर, और उसको भी ज्वाइन कर लेना। तो चलिए, बहुत जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट्स में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और हमारे साथ बने रहना। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।